हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए रेजिस्टर एसी थ्रू अ रेजिस्टर। इसको इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये एक प्योर ओमिक रेजिस्टर है जो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स से कनेक्टेड है। अब इस कंडीशन में जब ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स से कनेक्टेड है तो वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय इक्वेशन ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ और ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी टाइम। बच्चे जब कोई प्योर ओमिक रजिस्टर जिसका जीरो इंडक्टेंस है किसी एसी सोर्स में कनेक्टेड होता है तो उस समय एक कंडीशन होती है, क्या? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप across resistor, potential drop across resistor। अब अगर हम potential drop की value की बात करें तो वो क्या होगी? potential drop E equal to IR according Ohm's law और I equal to E upon R, I equal to E upon R। ये जो जिस इक्वेशन से हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है ईएमएफ की, इसको हम इक्वेशन वन लिख लेते हैं। अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें E की वैल्यू हम इक्वेशन वन से लेते हैं और उसको पुट अप कर देते हैं From equation 1, I equal to E की वैल्यू है ये I equal to E naught upon R sin omega T। ये इक्वेशन बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब बच्चों E upon R एक्सेल नॉट अपॉन आर इक्वल टू होता है आई नोट। आई नोट मीन्स पीक वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अब ये वैल्यू इस इक्वेशन टू में प्लेस करने पर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन थर्ड हमारी रिप्रेजेंट करती है instantaneous value of alternating current in a circuit when there is a ohmic resistance connected across the source of an EMF। अब इसको अगर हम डायग्राम की फॉर्म में देखो, डायग्राम की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरीके से डायग्राम x ये E है और ये I है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ E और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ
अल्टरनेटिंग करेंट। देखो बच्चों यहाँ पर इनको सेम वेक्टर सेम फेजर रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा क्यों है? ये एंगल है हमारा ओमेगा टी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अब हम इनकी इक्वेशन पर गौर करते हैं। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन ये है और इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन ये है। तो दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करने से हमें पता लगता है कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट दोनों यहाँ पर सेम फेज में है, यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? जीरो। सेम फेज पर है, इसीलिए हमने दोनों को एक ही वेक्टर पर रिप्रेजेंट किया है, ये इंस्टेंटेनियस करंट और ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है, अब इसको अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि सेम फेज में है दोनों, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें हम इसको, तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। साइनसोइडली चेंज हो रही है वैल्यू, यहां पर फाइव अपॉन टू, यहां पर पाई, यहां पर ये वैल्यू थ्री पाई अपॉन टू और यहां पर टू पाई। यहां पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है ईएमएफ का भी और अल्टरनेटिव करंट का भी। अब बच्चों अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं ये सेम फेज में जब होते हैं तो क्या होता है, यहां पर एक साथ ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ को और ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, इंस्टेंटेनियस करंट को। अब बच्चों देखे यहां पर दोनों की वैल्यू, जब भी दोनों की वैल्यू एक साथ जीरो होती है, यहां पर दोनों की वैल्यू जीरो है ईएमएफ की भी और आई की भी, और यहां पर भी दोनों की वैल्यू जीरो है और यहां पर भी दोनों की वैल्यू जीरो है। अगर हम एंगल की बात करें, यहां पर दोनों का एंगल सेम है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, जो हमें इनकी इक्वेशन से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या कि इनमें दोनों में ये ईएमएफ की इक्वेशन है और ये इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन है। तो जब कोई ओमिक रेजिस्टेंस किसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स से कनेक्ट होता है तो वहां पर उस सर्किट में ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, उनके बीच में फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होता और दोनों को हम एक ही वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने यहां किया। ओके, थैंक यू।